वेलकम टू माय चैनल आज हम बना रहे हैं सैंडविचेस ये हार्ड वाली ब्रेड जो होती है ब्राउन ब्रेड उस पर बनाएंगे बहुत डिलीशियस बहुत मज़ेदार इससे बनते हैं ये अब ब्रेकफास्ट में या लंच या स्नैक्स टाइम पर ले सकते हैं इसको बहुत ही डिलीशियस होते हैं चलें फिर शुरू करते हैं रेसिपी को सबसे पहले हमने ब्रेड ले ली है ये कहीं भी बैक्टी से आराम से मिल जाती है चिकन को बॉईल कर लिया था वेजिटेबल्स है हमारे पास पार्सल है सबसे ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ इसके अंदर कैबिज है दोनों तरह के ये चेरी टमाटर्स हैं मेरे पास कैबिज वगैरह थी गार्लिक और सलाद के पत्ते हैं आइसपर के जैतून का सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल ओल, ऑलिव ऑयल लेगी मैं इसमें डाल देंगे गार्लिक ये मेरे पास बीट है चीज़ और येनो चिकन पर डाल देंगे ब्लैक पेपर थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें चिकन को हम बहुत ज़्यादा रेशे नहीं करेंगे इसको गार्लिक को मज़ीद चॉप कर लूँगी मैं बारीक़ क्योंकि ब्रेड पे हम लगाएंगे तो उस पर से गिरेगा नहीं अब इसमें हम शामिल कर देंगे ब्रेडली है ये थोड़ी सख्त वाली ब्रेड होती है जो थोड़ी और अमूमन ये बेकरी पे से बहुत कम मिलती है मार्ट पे ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगी किसी भी बड़े मार्ट पे जाएं तो ईज़ली मिल जाती है किसी भी शेप में आप काट सकते हैं अब ऑलिव ऑयल और गार्लिक इस पर हम स्प्रेड इस, इस करेंगे क्योंकि हमें हल्का सा इसको रोस्ट करना है एक पैन में अब इसको रखकर हम हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे देखिए लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है गार्लिक पे बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है इसकी खुशबू मास्टर डोमेनीज मैनीस लेंगे हम थोड़े से कलरफुल बना रहे हैं मैनीस और रूटबीट का कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है सब पर आप केचप या बारबेक्यू सॉस लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो चिकन शिमला मिर्च आइस पर जो चीज़ आपको पसंद हो आप ले सकते हैं और अब जो चेरी टमाटर्स हैं हमारे पास उनके स्लाइस करेंगे ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं इस वक्त सीज़न के हिसाब से मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद बनाएं ये टमाटर्स हमारे यहाँ हर वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ सीज़न के हिसाब से ही मिलते हैं कोकम्बर के मैं इस तरह से स्लाइसिस बना रही हूँ बारीक बारीक से ये खाने में बहुत अच्छे रहते हैं पार्सले को बारीक कटिंग कर लेंगे रूट बीट हर इसका सैंडविच का हमने अलग फ्लेवर दिया है आप देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी इतने ही डिलीशियस होंगे पार्सले स्प्रिंकल कर देंगे तो हमारे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए तैयार हैं ज़रूर आप इस सिंपल सी और सादा सी रेसिपी को ट्राई करें इंजॉय करें मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखें